दोस्तों एटोमी में जब आप अपने डाउनलाइन को प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए बोलते हो तो आपको एक ही जवाब देता है, मेरा अपलाइन ने ऑर्डर किया था, उसको अभी तक सामान नहीं मिला है, उसको एक बार सामान मिल जाए, मैं अपने आंखों से देख लूं, फिर मैं ऑर्डर करूंगा। तो दोस्तों क्या ये सही है? क्या लीडरों को मेंबर्स को ऐसे जवाब देना चाहिए या क्या फिर उनको इंतजार करना चाहिए उनका अपलाइन का सामान घर तक पहुँचने तक? इससे उनको क्या फायदा है और उनको क्या नुकसान है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है। इससे आपको बहुत सारा फायदा भी हो सकता है, बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एटोमी से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पर रेगुलर अपडेट होता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन राउत स्वागत करता हूँ आपका चैनल ऑनलाइन बापू में। दोस्तों 11 नवंबर को एटोमी इंडिया में लॉन्च होने के बाद काफी सारे लोगों ने ऑर्डर किया और उनमें से काफी सारे लोगों को अब तक सामान मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक सामान नहीं मिला है। इसके बारे में कंपनी ने क्लारिफिकेशन भी दिया है। एटोमी पहली बार इंडिया में बिजनेस शुरू किया है, इसके वजह से कंपनी के सामने कई सारे परेशानियां हैं और इस परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कंपनी और कई सारे कुरियर कंपनियों के साथ भी बात कर रहा है। आने वाले एक दो महीने के अंदर अंदर ये सारा का सारा समस्या का समाधान हो जाएगा, टाइम पर सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, क्या आपको अभी ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ऑफलाइन ने ऑर्डर किया था, उसको सामान अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों ऑफलाइन हो कोई भी हो, अगर उसने ऑर्डर कर दिया है तो उसका सामान घर तक पहुंच जाएगा। टाइम लग रहा है, लग सकता है, लेकिन सामान आसानी से घर तक पहुंच जाएगा। अगर आपका ऑफलाइन का सामान उसके हाथ में पहुंचने तक आप इंतजार करते रहेंगे तो इसमें आपका नुकसान है। वो नुकसान कैसे मैं आपको बताता हूं। जब आपका ऑफलाइन ने सामान को ऑर्डर किया, भले ही उसके हाथ में सामान आने में टाइम लगता हो, लेकिन उसका पीबी अपने आईडी पर तुरंत रिफ्लेक्ट होता है। और अगर आप या आपके डाउन में कोई भी ऑर्डर करता है तो आपका और आपका डाउनलाइन का पीबी भी अपने अपने आईडी पर तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे आपको फायदा यह होगा उसके बाद आपके डाउन में कोई भी कुछ भी ऑर्डर करेगा तो उसका भी पीबी उसके आईडी पर रिफ्लेक्ट होगा और आपको आपका डाउनलाइन का पीबी का बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आपने ऑर्डर नहीं किया है, आपके डाउन में कई सारे बंदे ऐसे हैं जो कि इन सब बातों का परवाह किए बगैर ऑर्डर भी करेंगे और उनमें से कुछ लीडर भी है, कुछ कस्टमर्स भी है। मान लीजिए आपने ऑर्डर नहीं किया है, अपने आईडी पर कुछ भी पीबी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है और आपके डाउन में बिजनेस काफी हो चुका है, तो आपको आपके डाउन में जितना भी पीबी का बिजनेस हुआ होगा उसको फायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने आईडी पर परचेज ना कर ले 10,000 पीबी का। एक बार आपके आईडी पर 10,000 पीबी का रिफ्लेक्शन हो गया तो उसके बाद जितना भी परचेज होगा आपके नीचे वो सारा पीबी का आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से आपको तुरंत ऑर्डर कर देना चाहिए। आपके डाउन में ऑर्डर होने से पहले आपको ऑर्डर कर देना चाहिए। आपके डाउनलाइन में काफी सारे लोग भी होंगे, क्या पता कौन कब ऑर्डर कर दे, क्योंकि हम किसी को ऑर्डर करने के लिए मना नहीं कर सकते और मना करना भी नहीं चाहिए। अगर मना करते हैं तो वो बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा। अगर आप उनको ये बोलेंगे कि मुझे ऑर्डर करने दीजिए फिर आप ऑर्डर कीजिए, तो आप अपलाइन होने के नाते आप उनको ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिससे कि वो नेगेटिव हो जाए। सबसे पहले आपको कंपनी लॉन्च होते ही ऑर्डर लगा लेना चाहिए था। अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं लगाया है तो तुरंत लगा लीजिए। अगर आपको लाइफ टाइम एटोमी के साथ काम करना है, एटोमी का क्वालिटी प्रोडक्ट का आनंद लेना है, तो आपको तुरंत ऑर्डर कर लेना चाहिए और उसके तुरंत बाद ही अपने डाउनलाइन में चेक कर लीजिए जिनका भी आईडी वेरीफाइड हो चुका है वो लोग ऑर्डर किए हैं कि नहीं किए। स्टेप बाय स्टेप हर किसी लीडर को समझाइए, उनका डाउनलाइन से ऑर्डर आने से पहले वो लोग ऑर्डर कर ले। और आपका आईडी में ये भी चेक कर लीजिए कितने लोगों का आईडी अब तक वेरीफाइड नहीं हुआ है, वरना वो सारा का सारा आईडी कैंसिल हो जाएगा। अगले एक साल तक वो एटोमी में काम नहीं कर पाएंगे, ना ही उनके नीचे जो टीम बना होगा उसका कुछ फायदा उनको आगे मिलेगा। एक बार आईडी उड़ जाने के बाद दोबारा जब एक साल के बाद वो आईडी लगाएंगे तो एक फ्रेशर के तौर पर वो आईडी लगाएंगे, अभी जो उनके नीचे टीम बना है उसका कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। ये बात ज्यादातर लीडरों को अभी तक पता भी नहीं है। आप हर एक लीडर को फोन करके हो, मैसेज करके हो, पर्सनली कॉन्टेक्ट करके हो, कैसे भी करके हो, समझा के उनका आईडी को पहले बचा लीजिए। भले ही वो अभी काम करे या बाद में काम करे, लेकिन सबसे पहले उनका आईडी को बचा लीजिए, तभी उनको आगे जाके फायदा मिल सकता है। प्रोडक्ट ऑर्डर करने का सबसे बड़ा फायदा ये भी है, प्रोडक्ट ऑर्डर करते ही आपका आईडी में पीबी रिफ्लेक्ट होगा, आपका डाउन में जो बिजनेस होगा उस पीबी का भी आपको फायदा मिलेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग और एटोमी में यही तो मेन काम है, टीम बनाना, टीम को एजुकेट करना, खुद को एजुकेट करना और खुद भी परचेज करना और टीम मेंबर से भी परचेज करवाना। जो काम टीम से आप करवाना चाहते हो वो काम आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद टीम को वही सब समझाना पड़ेगा, उनसे वही काम कराना पड़ेगा और उनको उनके टीम को भी कैसे गाइड करना है
वो सब आपको सिखाना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में यही काम होता है, एटोमी में यही काम होता है। अगर आप यही काम नहीं करेंगे तो फिर ज्वाइन ही क्यों किए हैं? अगर ज्वाइन किए हैं तो इसका मेन मकसद जो है उसको अच्छे से समझिए और आगे बढ़िए।